हरे कृष्णा दोस्तों, आज मैं आपको ट्रेडिंग के 5 गोल्डन स्टेप क्या है मैं आज उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। इंडिया में सिर्फ 5% लोग ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन विदेशों में 80-85% लोग ट्रेडिंग करते हैं। एक्चुअल बता रहा हूँ मैं आपको, 80-85% लोग ट्रेडिंग करते हैं, इसलिए बाहर विदेशों में ज्यादा पैसा, क्योंकि वो लोग पैसों को ग्रोथ कराते हैं, ना कि वो पैसा सिर्फ खर्च करते हैं, राइट। तो पैसों को ग्रोथ कैसे करा रहे हैं, ट्रेडिंग के 5 रूल्स होते हैं, अगर उसे हम फॉलो करते हैं तो हमारा पैसा कभी नहीं डूबता, ठीक है। 99% चांस होता है कि पैसा नहीं डूबेगा, या कंपनी बिल्कुल खत्म हो जाती है, तो चांसेस होता है कि पैसा डूब जाए, अदरवाइज नहीं डूबती है। उसके 5 रूल, उसके बाद मैं आपको ट्रेडिंग जिससे मैं ट्रेडिंग करता हूं, मैं उसे वो एप्लीकेशन आपको शेयर करूंगा, उसे आप इंस्टॉल करके आप स्टार्ट कर सकते हैं और समझ सकते हैं उसमें कैसे हम अर्निंग कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा नहीं, आप 10 रुपये से, 20 रुपये से, 50 रुपये से, 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं, और आपको फिर ग्रोथ रेट लगेगा। आप सीखने की कोशिश कीजिएगा, उस टाइम में ऑटोमेटिक ग्रोथ हो जाएगा, राइट। तो हम 5 गोल्डन स्टेप के बारे में बात करते हैं। जो पहला गोल्डन स्टेप, जिस कंपनी में हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा, जिस कंपनी में हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसके लगभग 5 से लेके 11 साल की बैक डिटेल देख लेंगे। उसमें हिस्ट्री में जाके इयर्स का भी आता है कि आप 2 साल का देखना चाहते हो, 5 साल का देखना चाहते हो, तो उसके लगभग 5 साल का ग्रोथ रेट देख लेंगे कि कंपनी ने कितना ग्रोथ किया, कितना अप रहा, कितना डाउन रहा, कितना अप रहा, कितना डाउन रहा, मार्केट में कितना उसकी ग्राफ में फ्लक्चुएबिलिटी है, ओके। तो हम स्टार्ट लगभग कोशिश करेंगे कि स्टार्टिंग से हमें मिल जाए लगभग इसके पीछे के 11 साल की कंपनी ने कितना ग्रो किया। ये हमारा फर्स्ट गोल्डन स्टेप है। सेकंड गोल्डन स्टेप कि जिस कंपनी में हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो मैन्युफैक्चर क्या करती है, वो क्या बनाती है, सर्विस देती है, कोई प्रोडक्ट बनाती है, और वो उसका मार्केट में सेल की वैल्यू क्या है। जैसे मान लो कंपनी कोलगेट बनाती है, तो कोलगेट बनाती है तो मार्केट में रेगुलर यूज में है, साबुन बनाती है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है, तो कंपनी क्या बनाती है और मार्केट में उसकी डिमांड कितनी, आगे कितना ग्रोथ करेगा, इससे आपको पता लग जाएगा कि जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करने वाले हो उससे आपको कितना प्रॉफिट होने वाला है, राइट। सेकंड पॉइंट बता दिया मैंने आपको। अब हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, कि उस कंपनी में कितने लोग काम कर रहे हैं और जो उनकी एम्प्लॉयमेंट है उनके क्या रिव्यूज है कंपनी से रिलेटेड, क्या कंपनी स्टाफ रखती है 2-4-6 महीने में, साल भर में निकाल देती है, या कंपनी में 10 ही लोग हैं जो 10-15 साल से वो 10 लोग चला रहे हैं, कंपनी ने ग्रोथ नहीं किया एम्प्लॉयमेंट रेट में, यानी ये कंपनी कहीं ना कहीं घोटाला है, कंपनी आपको डुबा देगी। तो ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करना है जिसमें बहुत सारा स्टाफ काम करता हो और रेगुलर स्टाफ बढ़े हो। अगर किसी के बारे में, किसी कंपनी की डिटेल आपको चाहिए तो आप गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए, आपको इजीली मिल जाता है। तो जिसमें आप पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हो उसकी प्रॉपर हिस्ट्री पता करो कि कितने स्टाफ काम करते हैं, कितने लोग वर्किंग है, कितने लोग निकाले जाते हैं हर ईयर, और कितना एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ रेट क्या है, सैलरी वगैरह कितने मतलब हर साल इंक्रीज करते हैं, तो सारी हिस्ट्री आपको पता करनी है गूगल से, उसके बाद पैसा इन्वेस्ट करना है। फोर्थ गोल्डन स्टेप है कि कंपनी हर साल कितना ग्रोथ करती है, कंपनी हर साल कितना ग्रोथ करती है, 10%, 5%, 3%, 20%, 40%, 50%, कितना ग्रोथ करती है। ग्रोथ बोले तो जैसे पिछले साल कंपनी ने 1000 प्रोडक्ट बेचे, इस साल कंपनी ने 1200 प्रोडक्ट बेचे, अगले साल कंपनी ने 1400 प्रोडक्ट बेचे, यानी कि कितने परसेंट की ग्रोथ रेट हो रही है, वहाँ पे 10% की ग्रोथ रेट हो रही है, राइट। तो उनके जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं उसका ग्रोथ रेट क्या है, हर साल कितना इंक्रीज हो रहा है, कितना डिस्क्रीज हो रहा है, यानी कि अगर डिस्क्रीज हो रहा है या फिर वही जितने पिछले साल भी 1000 प्रोडक्ट बेचे हैं, इस साल भी 1000 प्रोडक्ट बेचे हैं, तो यानी कि कंपनी की ग्रोथ रेट नहीं है। अगर वो हर साल ग्रोथ रेट उसका बढ़ रहा है जो मैन्युफैक्चरिंग करने का और सेल का जो ग्रोथ रेट हर साल बढ़ रहा है, यानी कि कंपनी ग्रो कर रही है, इसमें पैसा इन्वेस्ट करना बेनिफिशियल होगा, ओके। पांचवा गोल्डन स्टेप हमारा कि जो ऑनर है, जो उनके मालिक है, उसकी डिटेल पता करना कि जो मालिक है वो हर दूसरे तीसरे साल में बदल जाता है या 4-5 घर के लोग ही हैं जो उनके ऑनर है, ठीक है। इससे पता लगता है कंपनी डूबेगी या नहीं डूबेगी, या बहुत सारे पार्टनर है तो ज्यादा पार्टनर्स में क्या होता है, कल को 2 पार्टनर्स के बीच लड़ाई होगी, कंपनी बट गई, कंपनी डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद फिर कंपनी डाउन हो जाती है। तो जो उनके ऑनर है वो
कितने टाइम से लॉन्ग टाइम से कंपनी को चला रहे हैं और कितना ग्रोथ रेट बढ़ा है, जिससे आपको पता लग जाएगा कि किस कंपनी में हमें पैसा इन्वेस्ट करना बेनिफिशियल रहेगा और किस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना बेकार रहेगा, राइट। तो पहले इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी की पूरी डिटेल चेक करेंगे और साइड में एप्लीकेशन के व्यूज चल रहे हैं तो इससे आप पता कर सकते हो कि कैसे हम उसमें पैसा इन्वेस्ट करें, चाहे कैसे लगाना शुरू करें, कंपनी की हिस्ट्री कैसे पता करें। वो साइड में वीडियो चल रही है, उसको देख के आप पता कर सकते हो। नहीं समझ में आता, अब मेरा फोन नंबर नीचे चल रहा है, उस नंबर पे आप कॉल कीजिए, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी कि कैसे आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो एज अ बिगनर तौर पे, रियली बता रहा हूँ बिगनर तौर पे, और आप एक अच्छा ग्रोथ कर सकते हो थोड़ा सा, थोड़ा टाइम देके, थोड़ा समझ के। और ट्रेडिंग टू टाइप्स की होती है, एक तो होती है आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो, और इन्वेस्ट बोले तो बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो आपसे पैसा ले लेती है और वो ट्रेडिंग करती है और उसका बेनिफिट आपको दे देती है। एक होता है आप इंडिविजुअल बेस पे ट्रेडिंग करना, कि आप खुद पैसा लगा रहे हो, खुद निकाल रहे हो, खुद पैसा लगा रहे हो, खुद विड्रॉल कर रहे हो, राइट। तो आप खुद ट्रेडिंग करना या फिर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो, वो ट्रेडिंग करेंगे, जो भी कंपनी का ग्रोथ होगा उसके हिसाब से वो आपको पैसा रिटर्न कर देंगे। हैव अ नाइस डे दोस्तों, हरे कृष्णा।